हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाली अष्टमी पूजा वाली खिचड़ी, जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मैं इसको बनाने की आसान सी विधि आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ लिया है मैंने 1.5 कप मूंग की दाल, फिर लिया है मैंने 1.5 कप कोई भी अच्छी क्वालिटी का चावल। सब्जियों में मैंने लिया है 2 आलू, बरबट्टी और कुमड़ा। आप और भी दूसरी सब्जियाँ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर लिया है मैंने ग्रीन चिली और टमाटो। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ 1/2 कोकोनट लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। छौके के लिए मैंने लिया है तेजपत्ती, सूखी लाल मिर्च और पंचफोरन। जी हाँ दोस्तों, पंचफोरन 5 टाइप के मसाले को मिक्स करके बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है सौंफ, कलौंजी, मेथी, जीरा और सरसों। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। फिर हमने पैन गरम कर लिया है, फिर उसमें हमने 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब मैं इसमें सारी सब्जियों को ऐड कर दूंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमें फ्लेम को हाई पे रखना है और सब्जियों को रोस्ट कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक ऐड करना है। यहाँ फ्लेम को हमें हाई टू मीडियम पे रखना है और चम्मच चलाते रहना है। अब हम इसे अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। फिर हमें उसी पैन पे अपनी मूंग की दाल को लेना है और उसे हल्का सा रोस्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, वरना खिचड़ी में को पकते समय बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया, अब मैं इसे धो करके कुकर में डाल दूँगी। अब मैं जो चावल रखा है उसे भी धो लिया है और उसे भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं सारे वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड करने वाली हूँ। अब हमें इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, चावल दाल और सब्जियों को आपस में मिक्स करते हुए। जी हाँ दोस्तों, आपको इसे 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। अब हम इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, जितना खिचड़ी के लिए ज़रूरी है। अब मैं कुकर का लीड लगा करके 1 सीटी आने का वेट करूंगी। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप, यहाँ 1 सीटी आ चुकी है। अब हमें गैस को ऑफ कर देना है। फिर हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है और इसमें 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। फिर मैं इसमें तेज़पत्ता डाल दूँगी और सूखी लाल मिर्च भी। इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा होने लगा है। अब मैं इसमें जो हमने पंचफोरन बनाया है उसे ऐड करूंगी। जी हाँ दोस्तों, आप ये पंचफोरन ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यही बंगाली खिचड़ी का मेन होता है। देखिए, अब ये मसाले थोड़े से रोस्ट हो चुके हैं, खड़े मसाले। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ कोकोनट ऐड कर दूँगी। इस कोकोनट को हमें गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई करना है। देखिए, नारियल का कलर अब चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें टोमेटो और हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। आपको चम्मच चलाते रहना है, वरना मसाले जल जाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी, जिससे कि टमाटर जल्दी ही मैश हो जाएगा। अब मैं इसमें जो हमने दाल चावल सिटी लगाया था उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी और इसे प्रॉपर मसाले के साथ मिक्स करूंगी। अब जो बाकी बचा दाल चावल है उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे धीरे धीरे पूरे मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। देखिए, लगभग मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि खिचड़ी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। हम इसमें 2 स्पून जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है।
अब हम इसमें थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हमें लिड लगा करके 1 से 2 मिनट के लिए इसे पका लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये बंगाली खिचड़ी बहुत ही आसानी से और जल्दी से बन के रेडी हो गई है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे बहुत बहुत लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, इसे मैंने अब एक बाउल में निकाल लिया है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप इसे बनाइए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए।